दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर दबंग खान की आने वाली मोस्ट कंट्रोवर्शियल टेलीविजन शो को लेकर लगातार ये बातें कही जा रही है कि भाई इस शो का हर एक प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा बहिष्कार, लेकिन भैया इन दिनों इस शो को लेकर जैसी खबरें आ रही है उसको देखने के बाद आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि भैया जब ये शो ऑन एयर होगा तो भैया होगा टेलीविजन पर टीआरपी का नया चमत्कार। तो दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान से। तो दोस्तों, भले ही इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार ये बातें कही जा रही है कि भाई हम सलमान खान की आने वाली फिल्मों का बहिष्कार करेंगे, हम उनकी आने वाली मोस्ट कंट्रोवर्शियल टेलीविजन शो यानी कि भैया बिग बॉस का भी बहिष्कार करेंगे, तो दोस्तों ये बातें केवल सोशल मीडिया पर ही असरदार साबित हुई है। यानी कि भैया इन दिनों दबंग खान के शो को लेकर जैसी खबरें हम सुन रहे हैं उसको सुनने के बाद आप भी ये कहने के लिए मजबूर हो जाओगे कि भैया इस शो में जब इतने बड़े बड़े नाम जुड़ रहे हैं तो भैया नो डाउट ये शो बहुत बड़ी हिट होगी। यानी कि भैया सीजन 14 में भी धमाकेदार एंट्री होने वाली है भाई बड़े बड़े सितारों की। तो दोस्तों, आज एक और नाम जुड़ गया है इस शो के साथ, यानी कि भैया खबरें आ रही है कि स्टार प्लस पर धमाकेदार शो इश्कबाज दे चुकी ये खूबसूरत हसीना बहुत जल्दी ही बिग बॉस के घर में मेहमान बनने वाली है। तो भैया खबरें तो यही आ रही है कि मानसी श्रीवास्तव की एंट्री लगभग तय है इस शो में। दोस्तों, इस शो को लेकर जब मानसी श्रीवास्तव से यह सवाल पूछा गया कि क्या आपको बिग बॉस की तरफ से बुलावा आया है, तो भाई मानसी श्रीवास्तव ने इस बात पर जवाब दिया हां, यानी कि भैया उनको बिग बॉस की तरफ से बुलावा आया है और वो इस शो को लेकर तैयार है। इस शो को लेकर उन्होंने ये बात भी बताई कि भैया इस शो के मेकर्स की तरफ से अब तक उन्हें केवल एक बार अप्रोच किया गया है और ये बात अभी चल रही है और उनकी तरफ से इस शो को लेकर हां है। यानी कि भैया सब कुछ ठीक रहता है तो मानसी श्रीवास्तव की भी एंट्री हो जाएगी इस शो में, और मानसी श्रीवास्तव के आते ही कहा जा रहा है कि भैया बिग बॉस के घर में ग्लैमर का तड़का लगाती नजर आएंगी मानसी श्रीवास्तव, जिन्होंने अपने हुस्न के जादू से स्टार प्लस के शो यानी कि भैया इश्कबाज को सुपर डुपर हिट बनाया था टेलीविजन पर। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा कि भैया इन दिनों लगातार सलमान खान के शो को लेकर नेगेटिव बातें तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन भैया इन बातों का असर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों पर नहीं पड़ रहा और वो लगातार इस शो का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और भाई खबरें तो ऐसे ही आ रही हैं। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा कि क्या इन नेगेटिव बातों का असर बिग बॉस के सीजन 14 पर पड़ेगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों, आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड न्यूज जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल मैडम आगे बताइए टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वायरल जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल न्यूज जंक्शन को दिया है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।